हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करने जा रहे हैं यामा R15M के बारे में। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल द स्ट्रीट रेसर। आज हम बात करने जा रहे हैं यामाहा R15M के बारे में। सो कुछ दिनों पहले बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो डाल के परेशान कर रखा है कि यामाहा R2 आने वाली है, यामाहा R15 V4, R3 आने वाली है, बट सारी खबरें पासी हो चुकी हैं। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि यामाहा R15 V3 को अपडेट किया जा रहा है एंड उसका नाम होगा R15M। सो शॉर्ट में हम देखते हैं कि R15M में क्या अपग्रेड्स हैं जो R15 V3 में नहीं है। सबसे पहला अपडेट जो है वो है हेडलाइट। हेडलाइट जो है वो बिल्कुल R7 से मिलती जुलती है। मोनोपॉड हेडलैम्प जिसको हम बोलते हैं, मोनो मीन्स सिंगल, तो वो जो एक सिंगल LED बल्ब होगा वो MT15 वाला बल्ब यहाँ लगाया जा रहा है। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों को अभी R15 V3 और R15M दोनों की हेडलाइट्स दिख सकती हैं। सो V3 में क्या होता है, हेडलाइट के नीचे एक पैनल यूज होता है एंड राइट और लेफ्ट पैनल्स अलग से यूज होते हैं एंड R15M की फेयरिंग V3 से काफी अलग होगी, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो ये रहा R15M का पैनल। यहाँ पे जो एक नया अपग्रेड देखने को मिलेगा वो है अपसाइड डाउन फोक। सो R15M में क्या किया जा रहा है, जो R7 का जो फेयरिंग है वो फेयरिंग को सीधा सीधा यहाँ पे लाया जा रहा है। सो यामाहा R15 V3 में USD फोक्स मतलब अपसाइड डाउन फोक्स नहीं आते थे, बट M में लाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसके प्राइस 10 से 20 हज़ार रुपये बढ़ा दिए जाएंगे। ABS पुरानी वाली बाइक में था R15 V3 में, तो M में भी होगा। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग ABS कंपलसरी है। सो ABS इस बाइक में देखने को मिलेगा अलोंग विद USD फोक्स एंड जो चेंज हेडलाइट है उसके साथ साथ पैनल्स की डिटेलिंग थोड़ी सी अलग है। R15 V3 के पैनल्स पे जो मॉन्स्टर एनर्जी की जो डिटेलिंग आती थी वो थोड़ी सी अलग है, ये बैकग्राउंड पिक्चर में आप देख सकते हो। जब से वो एक यामाहा R15 V3 से मिलता जुलता टेस्टिंग व्हीकल स्पाई हुआ था, तब से YouTube पे R15 V4, R2 एंड R3 के बहुत सारे वीडियोस निकल चुके हैं, बट R15 V4 ही ऑलमोस्ट R15M ही है। वो कुछ लोग इतने बड़े वाले थे कि उन लोगों ने R2 भी लॉन्च कर दिया है और R2 के स्पेक्स और R2 के प्राइस, लॉन्च कंफर्मेशन सब कुछ YouTube पे एक वीडियो बना के डाल रखा है। जैसे कि स्पेशली यामाहा ने उनको फ़ोन करके सपने में बताया था कि यहाँ हम लोग यामाहा R2 निकालने वाले हैं एंड उन माशे के चैनल पे 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं एंड उस वीडियो पे भी 1.5 लाख व्यूज आ चुके हैं। कौन हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं? और यहाँ पे हम साथ साथ देख ही सकते हैं कि जो R15 V3 और R15M का जो ओवरऑल हाइट, ओवरऑल लेंथ, डायमेंशन जिसको हम बोल सकते हैं, वो सारे के सारे डायमेंशन सेम है, जिसका मतलब है कि चेसी में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। R15 V3 और R15M दोनों के चेसी एकदम सेम होंगे। इंजन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो सेम 155cc का इंजन जो V3 में पड़ा हुआ है वही R15M में यूज़ किया जा रहा है। हो सकता है कि गियर रेशोज R15M के कुछ चेंज्ड हो, जिससे कि क्या फ़र्क पड़ेगा कि R15 V3 की जो फर्स्ट गियर की टॉप स्पीड है वो है 48 km/h, हो सकता है कि R15M की वो स्पीड कुछ और हो। एक और फीचर जो हमें स्पेशली यामाहा R15M में देखने को मिलेगा वो है MotoGP इंस्पायर्ड फेयरिंग, और हम उसको बोल सकते हैं लाइवरी, और जो कलर स्कीम है वो बिल्कुल ही सेम टू सेम MotoGP की जो फेयरिंग कलर स्कीम है वो यहाँ पे R15M में हमें देखने को मिलेगी। एंड नाउ गाइज, इफ यू रियली लाइक द वीडियो, जस्ट लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इन योर बाइकर ग्रुप्स एंड फॉर अनदर ऑटोमोटिव वीडियो नेक्स्ट टाइम सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। And I am also looking for 2022 National Championship. So guys, if you can support me, so please join my channel. Bye bye.